नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि इफ़ एफ इज़ मोनोटॉनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ क्या है, मोनोटॉनिक है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ इज़ आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब कोई फंक्शन मोनोटॉनिक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो आपको प्रूफ करना है कि वो फंक्शन आर इंटीग्रेबल भी होगा उसी इंटरवल पे। तो आपको सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पता होना चाहिए कि मोनोटॉनिक फंक्शन क्या है, ठीक ना। तो मोनोटॉनिक फंक्शन चलिए हम बता देते हैं। मोनोटॉनिक फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जो इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो, ठीक है। क्या हो, इंक्रीजिंग फंक्शन भी हो और डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो। मीन्स कि, और ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही करे, डिक्रीज नहीं करे, और जब फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करे, इंक्रीज नहीं करे। मतलब समझ में आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन में पूरा इंक्रीज करेगा। मतलब मोनोटॉनिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है ना जिसमें अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, और जब डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा। और बाकी ये कॉन्सेप्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं मोनोटॉनिक फंक्शन का। तो चलिए हम लोग आगे बात करें। इसमें हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि मोनोटॉनिक फंक्शन, कोई एफ मोनोटॉनिक है तो वो आर इंटीग्रेबल होगा। तो इसके लिए तो दो केस लेना होगा, क्या कि सबसे पहले मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा तो आर इंटीग्रेबल होगा, और दूसरा केस जब मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होगा तो भी वो आर इंटीग्रेबल होगा। तो ये हमें दो केस में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक केस को प्रूफ करेंगे और एक केस को लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ, ओके। तो चलिए हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये बहुत सिंपल थ्योरम है, ये आप बुक से भी देखकर समझ सकते थे। तो क्या कह रहा है कि लेट अस सपोज दैट एफ इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। हम क्या बात किए, पहले इंक्रीजिंग के लिए बात किए हैं। लेट अस सपोज दैट एफ इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। यहाँ तक मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग का बात हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग क्या होते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब हम, चलिए ग्राफ बना लेते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही कर रहा है। यहाँ पे बस स्टार्टिंग पॉइंट और इसमें बात करेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा इसके कंपेयर में, ठीक ना। और अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल हो जाए, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है, मीन्स कि एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए ये पॉइंट है और ये एफ ऑफ बी है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं, हम थोड़ा सा एक केस भी दिया हुआ था उसको भी हम मान लेते हैं कि इफ़ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, इंक्रीजिंग हम माने हैं लेकिन मान लेते हैं किसी केस में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं, देन एफ वुड बी अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। एफ क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। तभी तो दोनों किसी पॉइंट पे कर रहे हैं तो सेम वैल्यू आ रहा है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट कॉन्स्टेंट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। तो हमें वहाँ प्रूफ करने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो आर इंटीग्रेबल है, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन आर इंटीग्रेबल होता है, हम पिछला बार ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक ना। तो हमें क्या केस लेना होगा कि या तो एफ ऑफ ए बड़ा होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली कि एफ ऑफ बी जो होगा, जो फाइनल पॉइंट होगा, जो लास्ट वाला वैल्यू होगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए हम मान लेते हैं देयर फॉर वी अज्यूम दैट एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी। समझ में आए, इक्वल का साइन नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, और कांस्टेंट फंक्शन होगा तो वो आर इंटीग्रेबल होता है, हमें वहाँ प्रूफ नहीं करना, ठीक ना। तो इसीलिए हम क्या ले लिए, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी, मतलब एफ ऑफ बी क्या है, बड़ा है। तो अब आपको पता है कि एफ ऑफ बी जैसे ही बड़ा हो गया तो चलिए आगे बात करते हैं कि लेट पी इक्वल टू दिस, ये पार्टीशन ले लिए, पी इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स नॉट एक्स आर एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर, फिर एक्स एन इक्वल टू बी, बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, एंड लेट डेल आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन सच दैट आर इक्वल टू वन टू थ्री डॉट 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 एन तक। ये तो पता है ना कि डेल आर क्या होता है, डेल आर मतलब आर्बिट्ररी का जो हम निकाल रहे हैं, तो एक्स आर माइनस वन होगा। और अगर किसी पर्टिकुलर के लिए निकालना चाहे तो आर इक्वल टू वन पुट कर सकते हैं, टू पुट कर सकते हैं, थ्री पुट कर सकते हैं। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर क्या से क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारा मेन टारगेट आपको ध्यान दे रहा है कि आर इंटीग्रेबल प्रूफ करना है। आर इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए आपको वही चीज़ प्रूफ करना होगा, यू ऑफ पी माइनस एल ऑफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, ये बातें हमें प्रूफ करनी होंगी। तो हम उसी पे काम करेंगे, यू ऑफ पी माइनस एल ऑफ पी, लेकिन यू ऑफ पी को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्मॉल ए कैपिटल एम आर टेलर चाहिए।
और एल ऑफ पी के लिए क्या चाहिए, स्मॉल एमर डेलर चाहिए, तो उसी चीज़ पे बात करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, वो पार्टीशन लिया और डेलर फाइंड किया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना, लेट द नॉर्म्स ऑफ द पार्टीशन म्यू ऑफ पी लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन भी हमें मानना होगा, तभी जाके आगे हमारा काम बनेगा। हम क्या मान लिए कंडीशन कि नॉर्म जो है म्यू ऑफ पी जो है वो लेस देन डेल्टा है। अब कंसीडर दिस सब इंटरवल्स एक्स आर माइनस वन से लेकर एक्स आर तक, जो कि यहाँ पे हम पहले से ही कंसीडर कर लिए हैं, मेंशन कर दिए थे। तो आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि कंसीडर दिस सब इंटरवल्स एक्स आर माइनस वन से लेकर एक्स आर, एक सब इंटरवल्स हम कंसीडर किए हैं और इसी सब इंटरवल्स के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, लेट अ स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी दी इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ रिस्पेक्टिवली ऑन क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस वन से लेकर एक्स आर तक, वो जो आर्बिट्ररी सब इंटरवल्स हमने कंसीडर किया उसके लिए। क्लियर है? तो चलिए, अब हम लोग जान गए हैं कि स्मॉल एम आर जो है वो इन्फिमम है और कैपिटल एम आर जो है वो सुप्रीमम है। तो आपको बताने कोई आवश्यकता नहीं है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। और ये भी क्लियर है कि एफ ऑफ ए छोटा है एफ ऑफ बी से, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंस एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन दिस, देयर फोर एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, मतलब छोटे पॉइंट पे, इसका जो दोनों सब इंटरवल का छोटा पॉइंट कौन है, ये वाला, तो छोटा पॉइंट पे फंक्शन का छोटा वैल्यू स्मॉल एम आर होगा। और अब क्योंकि हमें पहले से पता है कि स्मॉल एम आर क्या होता है, इन्फिमम होता है, तो इस आर्बिट्ररी पॉइंट पे, आर्बिट्ररी सब इंटरवल्स के जो दो पॉइंट्स हैं, मीन्स कि आप ये समझिए एक्स आर माइनस वन यहाँ पे क्या है, ए है और बी है, ये तो पता है कि ये ए वाला छोटा होगा बी बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स आर माइनस वन, एक्स आर यहाँ पे एक्स आर, तो ये क्या होगा हमें, ये हमें पता है कि इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो होगा और एक्स आर पे जो होगा वो ऑब्वियसली बात है कि जो एक्स आर माइनस वन पे होगा वो छोटा होगा और जो एक्स आर पे होगा वो बड़ा होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन का जो इन्फिमम होगा, फंक्शन का इन्फिमम होगा वो इस पॉइंट पे मिलेगा। इन्फिमम, इन्फिमम मतलब छोटा वैल्यू इस पॉइंट पे मिलेगा, और बड़ा वैल्यू मतलब सुप्रीमम, सुप्रीमम मतलब कैपिटल एम आर इस पॉइंट पे मिलेगा, और ये पॉइंट क्या है एक्स आर। तो वही चीज़ हम लिखें, सिंस एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन दिस, देयर फोर एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, मतलब फंक्शन का वैल्यू इस वाले पॉइंट पे एक्स आर माइनस वन पॉइंट पे स्मॉल एम आर, क्योंकि इन्फिमम है हमारा, और कैपिटल एम आर क्या हो गया सुप्रीमम, मतलब बड़ा वैल्यू जो होगा वो एक्स आर पे मिलेगा। अभी हम समझाएं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपना टारगेट जो था हमारा, मेन टारगेट हमारा ये था यू ऑफ पी माइनस एल ऑफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, हमें प्रूफ करना था। तो चलिए हम क्या करें, सबसे पहले यू ऑफ पी माइनस एल ऑफ पी फाइंड करते हैं। तो यू ऑफ पी माइनस एल ऑफ पी जैसे ही फाइंड किए तो क्या आ गया हमारा, समेसन, आप चाहे तो आर इक्वल टू वन से लेकर एन रनिंग लिख सकते हैं, एम आर डेल आर, कैपिटल एम आर डेल आर माइनस स्मॉल एम आर डेल आर, ऐसा में फिर आप देखिए समेसन डेल आर जो होगा ना बाहर हो गया, कैपिटल एम आर माइनस एम आर स्मॉल एम आर, ठीक। अब आपको ये समझना है कि कैपिटल एम आर जो है और स्मॉल एम आर जो है, आखिर कैपिटल एम आर क्या है, कैपिटल एम आर है एफ ऑफ एक्स आर, अभी हम यहाँ पे लिखे थे कैपिटल एम आर स्मॉल एफ ऑफ एक्स आर है, सॉरी एफ ऑफ एक्स आर है, वही चीज़ लिख दी इसके बदले एफ ऑफ एक्स आर, और स्मॉल एम आर क्या था एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, तो ऐसा लिख दिए, और इधर क्या है डेल आर है। अब आपको ये समझना है कि एफ ऑफ एक्स आर का समेसन करना है आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक, ठीक ना। तो जैसे ही हम एफ ऑफ एक्स आर मतलब आर की जगह पे एक बार वन टू थ्री कहाँ तक एन तक समेसन किए, तो ये जब वन रखें हम देखिए दोनों का एक ही साथ कर रहे हैं, क्लियर ना। तो सबसे पहले ये समझ रहे हम डेल आर का नहीं कर रहे हैं, डेल आर से बड़ा कौन है, डेल है। आपको पता है कि नॉर्म्स जो है यहाँ पे, नॉर्म्स जो सबसे बड़ा लेंथ होता है सभी सब इंटरवल्स का, उससे बड़ा डेल है। तो हम डेलर के जगह पे डेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इक्वल का साइन नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो हम इस डेलर के जगह पे डेल किए तो ग्रेटर हो गया ये इक्वल, ये जो इक्वल था यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर हो गया, और यहाँ डेलर के जगह डेल यूज़ हो गया और डेल बाहर हो गया। और आपको पता है यहाँ पे जो हमारे पास टर्म्स बचा है, टर्म्स क्या बचा है हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास टर्म्स बचा है एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, यही टर्म्स ना बचा। और ये क्या चीज़ में है, समेसन में है आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक। तो आपको पता है ना इस समेसन का क्या मीनिंग होता है, समेसन का मीनिंग होता है पहले जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे पहले वन पुट कीजिए, तो वन पुट करेंगे तो क्या आएगा एफ ऑफ
एक्स वन आएगा, माइनस एफ ऑफ वन माइनस वन क्या हो जाएगा एक्स नॉट। ठीक, ये तो वैल्यू आ गया हमारा एक जब वन पुट किए। उसके बाद क्या करना होता था, प्लस दीजिए, अब क्या पुट कीजिए, टू पुट कीजिए। तो टू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू, और यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ टू माइनस वन, तो टू माइनस वन क्या होगा एक्स वन। ठीक, फिर इसी तरीके से अब थ्री पुट करना है प्लस देकर, फिर फोर, फिर फाइव, फिर क्या एन। तो अब वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, पहले वन पुट किए तो यहाँ वन, यहाँ वन माइनस वन जीरो। ठीक, यहाँ तक वन पुट किए, फिर यहाँ टू पुट किए, फिर यहाँ थ्री पुट किए, फिर लास्ट में क्या किए, यहाँ पे एन पुट कर दिए और यहाँ एन माइनस वन पुट कर दिए। समझ में आ रहा होगा, ये एन माइनस वन पुट कर दिए। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि बहुत कुछ यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स वन जो पहला, जो हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये आप समझना होगा इसको। चलिए एक और हम लिख ही देते हैं, ठीक, ये समझ में आया ना, इसको हम लोग ब्रेक किए हैं, इस वाले पॉइंट को ब्रेक किए हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। तो आपको समझना ये है कि जो पहला हमारे पास टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म्स इसको मान लेते हैं, ये जो हमारे पास टर्म्स है इसका पहला पार्ट कैंसिल हो रहा है इसके दूसरे पार्ट से। ठीक है, क्या हुआ कि जो पहला आगे वाला वैल्यू था उसका आगे वाला मतलब राइट वाला लेफ्ट से कैंसिल हुआ। तो अब हम इसमें बात करें तो इसका राइट कौन है, ये है, तो इसके बाद का लेफ्ट से कैंसिल होगा, वो हो गया। अब यहाँ पे जो है, फिर अब हम इस पे आते हैं, तो इसका जो राइट है वो किससे कैंसिल होगा, इसके लेफ्ट आगे वाले के लेफ्ट से। तो आगे वाला हम लिखे नहीं है डॉट डॉट में, तो इसका कहीं बीच में होगा, वो लेफ्ट से कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब उसी तरीके से एक और इसके आगे में एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिसका राइट वाला इसके लेफ्ट वाले से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या क्या बचेगा, एक पॉइंट ये बचेगा एफ ऑफ एक्स एन, और एक पॉइंट ये बचेगा माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि इसके बाद का जो, इसके पहले का तो राइट है नहीं जो लेफ्ट से कैंसिल होगा। तो क्या दो पॉइंट बचा, क्या क्या, एफ ऑफ एक्स एन और माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो हम वही चीज़ लिखें डायरेक्ट, देखिए एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और डेल क्या है बाहर है, और यहाँ इक्वल का साइन दे दिए, इक्वल का दे दिए मतलब कि यहाँ से जो है ना वो बराबर है इसके, मतलब हालांकि इससे बड़ा है, ध्यान रखना इससे बड़ा है, बट ये जो इक्वल है इससे इक्वल है। ठीक ना, लास्ट में हम लोग यूज़ कर लेंगे वो ग्रेटर वाला साइन। तो डेल एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और एक्स एन का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, एफ ऑफ बी होता है, और एक्स नॉट पे क्या होता है एफ ऑफ ए होता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आते हैं, ये चीज़ तो हो गया कि हम क्या गया अभी तक कहाँ पहुँच गए हैं, यू ऑफ पी माइनस एल ऑफ पी, अब ये क्या है लेस देन है ना, ये लेस देन डेल इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम लोग डेल को अगर कुछ आर्बिट्ररी ले लें, डेल तो पता है पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो हम डेल को कुछ और आर्बिट्ररी ले लेते हैं, आर्बिट्ररी वैल्यू ले लेते हैं, मीन्स की कुछ इस टाइप्स का। नाउ टेकिंग डेल इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हम लिए, क्या लिए यहाँ पे, कि जो डेल है वो छोटा या बराबर होगा एप्सिलॉन बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। आपको पता है कि डेल जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, डेल्टा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है और ये एफ ऑफ बी बड़ा है, बड़ा में से एफ ऑफ ए छोटा जो है घटेगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का तो केस क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया। अब ये एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा है क्योंकि एप्सिलॉन से रिलेटेड एक फंक्शन यहाँ पे है, एक संबंध है इसके बीच। तो हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा जो है वो छोटा या बराबर होगा एप्सिलॉन बाई एफ ऑफ ए माइनस ए। तो अब बताइए हम डेल्टा के जगह पे हमारे पास क्या था, डेल्टा के जगह पे अगर हम लोग डेल्टा से भी बड़ा वैल्यू यूज़ करते हैं तो जो इक्वालिटी इक्वल के लगभग में था वो क्या हो जाएगा, अब और भी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आपके पास क्या रिजल्ट था, यहाँ पे अभी तक आपके पास यहाँ पे रिजल्ट ये था यू ऑफ पी माइनस एल ऑफ, यू ऑफ पी माइनस एल ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए।
यही था ना। अब हम इस डेल्टा के जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, डेल्टा के जगह पे डेल्टा से ही बड़ा क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, वो है एप्साइलन बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इनटू में इधर क्या था हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब तो ये बड़ा से और भी बड़ा कर लिए तो क्या होगा, ये इक्वलिटी बड़ा ही रहेगा, तो यू ऑफ पी माइनस एल ऑफ पी। अब ये देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, यू ऑफ पी माइनस एल ऑफ पी इज लेस देन एप्साइलन। तो यही चीज़, यही रिजल्ट क्या कहता है हमारा, कि जैसे यू ऑफ पी माइनस एल ऑफ पी इज लेस देन एप्साइलन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये यू ऑफ पी जिस फंक्शन से बना है और किस फंक्शन से बना है, एफ से बना है, तो वो फंक्शन हमारा अनडिग्रेडेबल होगा। तो इट फॉलोज देयर फॉर, मतलब ये फॉलोज कर लिया हमारा फंक्शन देयर फॉर दैट एफ इज अनइंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इन दिस सिमिलर मैनर। अभी तो हमने सिर्फ प्रूफ किया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए, अब हम लोग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए सिमिलरली यहाँ शो करा देते हैं कि इन दिस सिमिलर मैनर इफ एफ इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इट कैन बी सो दैट एफ इज अनइंटीग्रेबल ऑन ए बी। मतलब कि अभी इसी तरीके से अगर हमारा फंक्शन जो है एफ वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा तो हम सेम इट कैन बी सो दैट एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो दिस कंप्लीट दी प्रूफ। तो आई होप कि आप लोग को ये मोनोटोनिक वाला अच्छे से समझ में आया होगा थ्योरम। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।